हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। पकड़े जकड़े रगड़े फिर निकले, इस तरीके से भाजपा सरकार चलती है। अनिल सिंह जीतेंगे। अरे ये तो बता रहा हूँ, अनिल सिंह जीतेंगे। यहाँ साइकिल लेकर घूमा, उधर आज बनेंगे और का लल्ली बीजेपी, केवल बीजेपी और कुछ नहीं, केवल बीजेपी। सबकी जमानत जब तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में पूर्वा बहुत अच्छी सरकार है, आपको सब कुछ मिला आने वाले मान सम्मान मिला, सबसे बड़ी बात मान सम्मान सबसे बड़ी बात उनकी सरकार। जी 20 साल का कार्यकाल उनका कैसा रहा, पूर्वा के लोगों से जानना चाहेंगे। थर्ड क्वालिटी का रहा। पिछले दिल्ली बीजेपी, केवल बीजेपी और कुछ नहीं, केवल बीजेपी। और भी हमारे साथ में भाई जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भाई आप आइए। अनिल सिंह विधायक जी का परचम लहराएंगे, सबकी जमानत जब तो। क्या लगता है पूर्वा से कौन जीतेगा? बताते हैं कि अनिल सिंह नहीं जीत रहे, अनिल सिंह जीतेंगे। अरे ये तो बता रहा हूँ, अनिल सिंह जीतेंगे। बताए यहाँ साइकिल लेकर घूमा, उधर आज बनेंगे और का वो तो, ये तो बता रहे काम नहीं हुआ। काम कहे नहीं हुआ उधर आज की सरकार में, काम जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब काम नहीं हुआ। यह तो काम हुआ दिखा रहा है, अभी काम है। तो इस बार पूर्वा से कौन जीत रहा है? उधर आज जीतेंगे अनिल सिंह। इतनी बड़ी जनसभा लगा रहा है, अच्छा राशन मांग क्या बता रहे? देखिए बता रहे की साइकिल जीतेगी पूर्वा विधानसभा, साइकिल नहीं जीतेगी। आप अभी नहीं जीतेगी, खून पी गए समाजवादी पार्टी के लोग, खून पी गए। तुझे मालूम पड़ी यार इस बार कौन जीतेगा? साइकिल जीतेगी पूर्वा से। हम बात करते हैं दादा से, दादा कौन जीत रहा है इस बार? ये बता रहे हैं साइकिल जीत रहे हैं, मेरे नंबर पे आएंगे साइकिल। अनिल सिंह ने पूर्वा विधानसभा में सब कौन सा काम कर दिया? बहुत से काम कर दिए। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली सरकार है। सबसे ज्यादा जातिवाद किसमें? समाजवादी में। समाजवादी वो तो कहते हैं सबसे ज्यादा जातिवाद इसमें हो रहा है। अरे नहीं, इसमें नहीं होता है। नहीं चलिए हम आप और भी हमारे साथ में दादा बात करें, दादा से बात कर रहे हैं। जीत रहे समाजवादी पार्टी में काम नहीं हुआ, पूर्वा में विकास नहीं हुआ समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। बताइए भैया विधानसभा पूर्वा की बात कर रहे हैं, पूर्वा विधानसभा जहाँ तक लगता है वहाँ की बात कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्वा से जैसे कि बता रहे हैं क्या लगता है? अनिल सिंह जीतेंगे, 4 लाख में जीतेंगे, 4 लाख सीटों से जीतेंगे। आपको क्या लगता है दादा? बता रहे हैं अनिल सिंह जीतेंगे, उसके आखिरी नील है ये, वही जीतेंगे नील। नील का मतलब नील जीतेंगे, एक बात से बात खत्म, क्या फायदा? जैसा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो बताते हैं कि सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली सरकार है। कौन बात? भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठे वादे करती है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। दिख रहा है ना समाजवादी की पार्टी कार्यकर्ता, वो तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा गुंडा राज हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो गुंडा नहीं कहा है, समाजवादी के गुंडा है भाजपा में गुंडे सारे। जीत रहा इस बार मोदी सरकार, मोदी सरकार बने, योगी सरकार, अनिल योगी सरकार, पूर्व विधायक कनेक्श आने वाले विधानसभा चुनाव में आप कुछ बता रहे थे, बताना चाहेंगे? जी इसके पहले जो पूर्व में सरकार थी, सपा की सरकार थी, उसमें हमारे क्षेत्र में समाज का विकास नहीं व्यक्तिगत विकास हुआ है। उनके जो चेले चपाटे थे माननीय विधायक जी के,
वो जो साइकिल से चल रहे थे उनके पास स्कॉर्पियो है आज मान, क्योंकि पूर्वा का एक रिकॉर्ड रहा कि भारतीय जनता पार्टी आज तक पूर्वा विधानसभा से जीती नहीं, क्या लगता है इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे? एक लाख वोटों से जीतेंगे इस बार जो है, लगातार चंद जब पिछली बार भाजपा में थे तो कितने वोटों से जीते थे? कुछ नहीं, जब भाजपा लहर थी तो वो लोधी भी रहते थे, नहीं जीत पाए थे। मैं उनके साथ था, मैं पार्टी का था, अच्छा पार्टी थे, मैं उनके साथ था, पार्टी में था भाजपा में, तब उन्होंने नहीं जीत पाए। तो अब क्या, वो तो गुंडे बताते हैं, कौन वो तो गुंडे बताते हैं, अनिल सिंह को बताते हैं उत्तम चंद, वो तो गुंडे हैं, तो गुंडे के राज सरकार में चले गए, वो गुंडे हैं, इसलिए तो गुंडों से हाथ मिला लिया। भाई ऐसे बात करते हैं, जैसे कि गुंडा के गुंडों से हाथ मिला लिया। आने वाले विधानसभा में पूर्वा से कौन बनेगा विधायक? अनिल सिंह, ये बताइए, उदय राज नहीं बनेगा? क्यों, समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया? आप बताइए तो दादा, कौन जीतेगा पूर्वा विधानसभा? अनिल सिंह जी। अच्छा उदय राज यार, लगातार 20 साल पूर्वा विधानसभा में विधायक, क्या उन्होंने कार्य नहीं किया? मतलब जातिवाद ज्यादा, युवक पूछो, युवा से पूछो, हाँ कौन जीत रहा है? अनिल सिंह, अनिल सिंह जीतेंगे। अच्छा अभी जो बनी है, आप ये देख लीजिए रोड कितने हाईवे कितनी मस्त बनी हुई है, अब जो बन रही है बताइए व्यवस्थाएं कैसी चल रही है? इस बार जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में अनिल सिंह पूर्वा से उनका पंचम हराएगा, 1 लाख वोटों से जीतेंगे, 1 लाख वोटों से जीतेंगे। हमारे साथी वाले विधानसभा चुनाव में पूर्वा अनिल सिंह, ये बताइए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं जीतेंगे? उदय राज हो अभी तो थर्ड टिकट पर नहीं हुआ है, अनिल जीतेंगे? अनिल सिंह, अनिल सिंह जैसे क्या करके उनसे बात करते हैं, ये बताइए आने वाले अनिल सिंह जीतेंगे? क्यों ऐसा, क्या अनिल सिंह ने कर दिया, क्या किया? समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो क्या, तब समाजवादी पार्टी की, समाजवादी की जब यहाँ पे सरकार रही तो क्या कार्य नहीं हुआ? मुकदमे लगाए गए झूठे, झूठे मुकदमे लगाए गए, वो तो कहते हैं सबसे ज्यादा झूठा मुकदमा भारतीय जनता पार्टी जी नहीं, सपा ने लगाए, सपा ने लगाए जी, वो तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली सरकार जी नहीं, बहुत अच्छी सरकार है, आपको सब कुछ मिला, आने वाले विधानसभा मान सम्मान मिला, सबसे बड़ी बात औरतों को मान सम्मान सबसे बड़ी बात, उनकी सरकार में मान सम्मान नहीं मिलता था जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिला, कभी नहीं मिला, कभी नहीं, वो तो पेंशन योजना है, बहुत सारी योजना तो पूर्वा से इस बार जो है अनिल सिंह जीतेंगे, एक बार नारा लगाइए दादी से बात करें, दादी बताइए कौन जीत रहा है? अनिल सिंह जी है, हम गरीब हैं तो अनिल सिंह सब कुछ करेंगे, लगातार 20 साल विधायक रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं मिला, आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्वा विधानसभा से कौन जीतेगा? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विधायक बने हुए, आने वाले विधानसभा पूर्वा से कौन बनेगा विधायक? अनिल सिंह जी बनेंगे, ये बताइए उदय राज यादव क्यों नहीं बन पाएंगे, या उत्तम भैया क्यों नहीं बन पाएंगे, समाजवादी क्यों नहीं बन पाएंगे? कार्यशैली गलत थी, कार्यशैली वो तो बता दे, सबसे ज्यादा गुंडा राज इसमें होता है, गुंडा राज बता दे, एक आदमी बता दे, गुंडा राज कहाँ पे होता है? थानों में बताते हैं, थानों में एक यादव होता है पूरा थाना चलाता है, कोई कांग्रेस होता पूरा थाना चलाता है, तो इस बार आने वाले विधानसभा में पूर्वा से विधायक अनिल सिंह, अनिल सिंह हमारे इनसे बात करते हैं, कौन जीत रहा है इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में? अनिल सिंह जीतेंगे, दादाजी कौन जीत रहा है इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में पूर्वा से? अनिल सिंह जीते, मेरे गांव में रोड 25 साल हो गए, रोड नहीं मिल पा रहा है, बीजेपी जीते, बीजेपी आपके पास गया 25 साल चले गए, पूर्व विधानसभा से अनिल सिंह भैया, उदय राज यादव ने काम नहीं किया, काम किया जातवाद का काम किया, माननीय विधायक जी ने किसी भी प्रकार का जातवाद का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि सबसे ज्यादा जातिवाद भारतीय जनता पार्टी में होता है, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ आपका पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन है, पिछड़े वर्ग के लोग आए हुए हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति कह रहा हो कि जो है यहाँ जातिवाद का कार्य हुआ।